हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड साल्ट्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पहले एसिड के बारे में, उसके बाद बेस के बारे में, उसके बाद साल्ट के बारे में। ठीक है ना, ठीक है। जनरल तौर पर हम लोग पूछता है कि फैटी एसिड, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि एसिड और समरी टेस्ट है ना, एसिड टर्म्स ब्लू न्यूज़पेपर पर रेड है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझिएगा एसिड डिफरेंशियल एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, देखिए एसिड होता है दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर। ठीक है, दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोजन आयन के बारे में विस्तार से आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर समझ लीजिए या कोशिश बोल सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जो एसिड होगा है ना, हाइड्रोजन आयन है, अगर जैसे ही यह वाटर से साथ जुड़ेगा, एसिड में क्या होता है हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, तो यह हाइड्रोजन आयन जैसे ही वाटर से जुड़ेगा तो बनेगा हाइड्रोमियम आयन H3O+। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब समझाया गया होगा कि एसिड वैसे सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो वाटर में क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मींस यहां पर समझना है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, H+ जो होता है, यह जो H+ है यह बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही क्या होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये किसी से रिएक्शन कर जाएगा, ये जो है किसी से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, एसिड जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंगली, उसके पावर कितना स्ट्रेंथ है ना। तो एसिड को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल टिश्यूज। ऑर्गेनिक एसिड जो है ये किससे मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल्स से, टिश्यूज से। किसे मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और टिश्यू से। सके एग्जाम्पल समझे, CH3COOH एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड किससे मिलता है, तो एसेटिक एसिड जो होता है वो विनेगर, विनेगर समझते हैं ना, विनेगर से मिलता है। किससे मिलता है, विनेगर। विनेगर कहाँ प्रयोग करते हैं, तो चौमिन सब खाते हैं ना, चौमिन में जो मिलाया जाता है खट्टा मटेरियल या लेमन का पिकल्स बनाते हैं ना, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं विनेगर्स का। ठीक है ना, उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ये कहां पे मिलेगा हम लोग का, चिट्टी की स्टिंग में, स्टिंग ऑफ एंड, स्टिंग ऑफ एंड में क्या मिलेगा हम लोग को, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक एसिड के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, मतलब जो भी एसिड प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, टिश्यू से मिलता है, ये सब सब ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। और दूसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए इसके बारे में समझिएगा कि दो एसिड व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम, व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम या व्हिच आर फॉर्मड इन लेबोरेटरीज, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स नहीं मिलेगा, देखिए सीधे ही मिनरल्स से कहीं हम लोग को एसिड नहीं मिलता है कि मिनरल्स में गए और खुद कहीं पर धरती को मिनरल्स की तरह एसिड मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको लैब में तैयार किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, लैब में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ये सब जितने भी एसिड्स हैं है ना, ये सब क्या होते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं। ये सब किसका एग्जांपल हुआ, मिनरल एसिड का। ठीक है ना, अब समझिएगा कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड है
है ना, यह हाइड्रोजन आयन किस तरह डिसोसिएट करता है, ये वीक क्यों है? देखो ये ऑर्गेनिक हेड जो होता है क्या होता है, वीक एसिड है। क्या होता है ऑर्गेनिक हेड? क्या होता है? वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो यह हाइड्रोजन आयन को बहुत ही कम डिसोसिएट करेगा। जैसे अगर आप CH3 इसको लिए है ना, आप चाहते हैं इसको कि हम इसको डिसोसिएट कर दें, ठीक है ना, तो H+ CH3 C2- टूटेगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं इसको कि हम डिसोसिएट कर दें, तोड़ दें, तो यह जो है इस तरह छोटेगा। लेकिन अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट 100 मोल लेते हैं, इसका क्या लेते हैं 100 मोल लेते हैं, ठीक है ना, तो 100 मोल में से हाइड्रोजन आयंस अप्रोक्सीमेट 5 मोल, मात्र 5 मोल ही टूटेगा, ठीक है ना, एच प्लस में। और 95% ये रह जाएगा, 95 जो मोल है वो इतना रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में समझिएगा, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, क्या वीक एसिड मेंटेन करेगा, इसमें आयंस होते हैं, क्या होते हैं आयंस, और क्या होते हैं इसमें, तो देख लीजिए आप मॉलिक्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिएगा कि वीक एसिड जो होता है इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों डिसोसिएट करते हैं, किसमें, इसमें। अब समझिएगा इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में समझा रहे हैं आपको। देखिए इनऑर्गेनिक एसिड को लैब में तैयार किया जाता है, किस तरह तैयार किया जाता है, देखिए हाइड्रोजन जो होता है प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस Cl2 तो क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। और जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर से रिएक्ट कीजिएगा ना, तब जाकर के बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ में आया। यह जो होता है गैस है, जब नीचे तो आएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन तो गैस ही बनता है, HCl का मतलब गैस। और जब इस पे है वाटर से रिएक्शन करेगा, जब यह वाटर से पास कर देंगे तो जाकर के बना देगा यह एसिड, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इस सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल में है कार्बोनिक एसिड। यह कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होते हुए भी यह क्या है, वीक एसिड है, जो क्या है हम लोग का एक्सेप्शनल केस है, अपवाद में है, ठीक है ना। अब समझिएगा कि क्या हम लोग अगर HCl का अगर आप 100 मोल लेते हैं ना, कितना 100 मोल लेते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन आयन में जो है H+ और Cl- होगा, इसमें करीब 95 मोल जो है हाइड्रोजन आयन एसोसिएट कर जाएगा, और करीब 5 मोल ही मात्र क्लोरीन आयन एसोसिएट कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो है यहाँ पर इसमें आयन प्लस आयन होते हैं, समझ लीजिएगा ये आयन है, आयंस और आयंस, और देखिए मिनरल एसिड में जो कुछ करेगा आयंस और आयंस एसोसिएट करता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड का कैसा एसिड है, इसमें ये जो टूटेगा ये जो है आयंस और मॉलिक्यूल्स टूटता है, हाइड्रोजन और कार्बन H2CO3 में जो टूटेगा कार्बोनेट अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अभी बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड का, समझिएगा। देखिए जितना नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना, किसी भी एसिड में जितना हाइड्रोजन आयंस जो होता है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ आयंस, ठीक है। जैसे ए वाला समझिएगा, ए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा कि इसको टूटता है H+ टूटता है और Cl- में, ए क्या है, एक हाइड्रोजन टूटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोबेसिक, क्या बोलेंगे, HCl को मोनोबेसिक, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लिकेबल हाइड्रोजन आयंस 1 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको मोनोबेसिक। यहां पर देखिए यहां पर H, इसमें भी कितना हो जाएगा, एक ही हो हाइड्रोजन रिप्लिकेबल, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे H+ लिख दीजिए, एक है, इसको ये भी क्या हो जाएगा मोनो
मोनोबेसिक ए होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होता है तो मोनोबेसिक होगा ठीक। H2SO4 इसमें ए देखिए रिप्लिकेबल हाइड्रोजन कितना है दो, दो हाइड्रोजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई बेसिक ठीक है। इसमें भी कितना है दो तो क्या बोलेंगे हम लोग डाई बेसिक, इसमें भी कितना है दो तो क्या हम लोग बोलेंगे डाई। इतना देखने से लग रहा होगा कि तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना क्या है, हाइड्रोजन रखना है और बोलते चल जाना है ना, लेकिन ऐसा बात नहीं होता। देखिए इसमें भी देखिए हाइड्रोजन तीन हुआ है तो बोलिए कितना CH+ है, ये कितना हो जाएगा ट्राई बेसिक, इसका बेसिसिटी कितना हो गया, इसका बेसिसिटी तीन, इसका बेसिसिटी वन वन, इसका बेसिसिटी कितना हुआ टू, इसका कितना हुआ टू, इसका कितना हुआ टू और इसका कितना हो गया थ्री। अब जो है इसका बेसिसिटी कितना हुआ, देखिए सब ऐसे नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बॉन्ड समझाएंगे, बॉन्ड समझना पड़ेगा उसके बाद आप पता बताइएगा कि इसका बेसिसिटी कितना होगा। समझिएगा इसे जैसे इसके टूटता किस तरह से है CH3 देखिए CH3 C++ और H+ देखिए यहाँ पर तीन या चार हाइड्रोजन है लेकिन ये क्या होगा मोनोबेसिक, या क्या होता है मोनोबेसिक, क्या होगा मोनोबेसिक ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा बॉन्ड से, इसका ध्यान दीजिएगा बॉन्ड ठीक, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर क्या हाइड्रोजन। अब इसमें समझिएगा ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स का हाइड्रोजन आयन टूटेगा, देखिए यहां पर कार्बन क्या कर रहा है कि इसके साथ को वैलेंट बॉन्ड बनाए इसके साथ ठीक है ना, तो यह प्रॉपर वे में शेयरिंग किए होंगे ना, तो ये सब बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन टूटता नहीं है, वैसा बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ होगा वही बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है जो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हमारा यह है, तो यह टूट करके अलग हो जाएगा और H+ फॉर्मेशन करता है, इसीलिए बेसिसिटी वन ठीक है ना, ये बहुत ही समझने वाला है। उसके बाद देखिए H3PO4 H3PO4 किधर गया H3PO4 यहाँ पे है PO3 है, तो H3PO3 जो होगा है ना, और उसके बाद H3PO4 समझेगा है ना, ये जो है H3PO4 ठीक है, और H3PO4 जो होगा इसमें क्या होगा नंबर ऑफ रिप्लिकेबल हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, तो H3PO4 में जो होगा इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से ठीक है ना, तो यहां पर इसमें जो नंबर ऑफ रिप्लिकेबल हाइड्रोजन कितना होंगे 3H+ हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा ट्राई बेसिक, तो कहिएगा कि H3PO4 H3PO3 भी बता दीजिए, H3PO3 बता दीजिए ठीक है ना, तो उसमें भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फास्फोरस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हम लोग के पास तीन है ना, हाइड्रोजन कितना है H3PO3 फास्फोरस 3-5 हो गया ठीक है। अब बताओ उसमें कि नंबर ऑफ रिप्लिकेबल हाइड्रोजन कौन होंगे, बताया था कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा वही क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यह हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां से यह हो जाएगा, तो बताओ कि कितना हो गया यहां पर दो हाइड्रोजन आयन डिस्ट्रीब्यूट कर गए है ना, इसका क्या हो जाएगा डाई बेसिक बेसिसिटी कितना हो गया इसका टू, यहाँ पर है थ्री लेकिन कितना हो गया टू। देखिए ये मतलब समझिएगा कि जितना हाइड्रोजन आयन देखिएगा
उसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग को समझना है प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को तैयार कैसे करते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड जो है वह किस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, एक तरीका हम लोग का है एसिड बनाने का। फर्स्ट जो है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसे देखिए यार, नॉन मेटल्स और प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगा, एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड। जैसे देखिए नॉन मेटल्स को ले लीजिए, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन लीजिए H2, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए नॉन मेटल है, यह क्या है, हाइड्रोजन है, यह क्या बना दिया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखिए यह गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है, गैसियस में है, तो भी क्या बनेगा, गैसियस में। और इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे कि वो वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वो बन जाएगा। उसके बाद और ले सकते हैं ब्रोमीन प्लस H2, तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से बहुत सारे ले सकते हैं, और भी कुछ नंबर लीजिए, सल्फर ले लीजिए, है ना, हाइड्रोजन से बनेगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। इस तरह से हम लोग को एसिड को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन मेटल का ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो बनेगा एसिड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड विथ वाटर, नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, एसिड। जैसे नॉन मेटल्स ऑक्साइड प्लस वाटर तो क्या बनेगा, एसिड, है ना। समझ सकते हैं CO2 क्या है, CO2 एक नॉनमेटल का ऑक्साइड है और इसको हम लोग क्या बना करेंगे, वाटर से रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा, है ना। उसी तरह से ले लीजिए SO3 प्लस वाटर क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। उसी तरह से SO2 प्लस वाटर क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। यानी कोई भी नॉनमेटल का ऑक्साइड सिर्फ वाटर क्या बनेगा, एसिड, ठीक है। चलिए अब प्रिपरेशन का और भी मिनट से जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 10th का है, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। धन्यवाद।